नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमत स्पोर्ट्स अपडेट में। मैं हूं अयाज मेमन। बहुत बड़ी हार भारत को मिली सेंचुरी रन क्रिकेट ग्राउंड पे। दूसरा टेस्ट मैच 135 रन से हारा है और इसी तरह से सीरीज भी जो है हार गई है इंडिया। और ये बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग जो है डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडिया इस टूर पे उतरी थी या गई थी नंबर वन रैंक टीम टेस्ट मैचेस में। और ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि ओवरसीज टूर पे कुछ ऐसा परफॉर्मेंस देगी कि वाह वाह होगा लोगों का। और क्रिटिक्स जो हमेशा से कहते आते हैं कि इंडिया जो है ओवरसीज़ नहीं खेल सकती है, उनको अपने शब्द जो है वो बदलने पड़ेंगे, एक स्क्रिप्ट जो है नया स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। पहला मैच 72 रन से हारी इंडिया, दूसरा मैच 135 रन से। ना सिर्फ फेल हुए, पर जिस तरह से खेला है बल्लेबाजों ने, चेतेश्वर पुजारा, एक तरह से एक उदाहरण मिलता है कि मेंटली किस स्पेस में थे इंडिया के बैट्समैन। दोनों ही पारी में रन आउट। हार्दिक पांड्या 93 के बाद ऐसा लग रहा है कि हर बार ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा एक शॉट खेले जिससे वो आउट हो सके। रोहित शर्मा बहुत निराश किया है उन्होंने भी, अभी भी ये किसी को कन्विंस नहीं कर पाया कि वे ओवरसीज टेस्ट मैचेस खेल सकते हैं। ना शिखर धवन, मुरली विजय फ्लॉप हुए, तो एक आप विराट कोहली पे कितना डिपेंड कर सकते हैं? और ये अगर डिपेंडेंसी है तो आप आगे जाके कहाँ पर खेल सकेंगे जीतने के लिए? तो नंबर वन स्टेटस जो है इंडिया का टेस्ट मैच रैंकिंग का, अब तो झटका पहुंचा ही है, अभी भी नंबर वन ही है टीम, लेकिन बहुत ही एक कठिन मोड़ पे आ गया है ये टूर। विराट कोहली के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी आया, लेकिन एज अ कैप्टन, क्योंकि आपने जो दावे लगाए थे, जो कहा था कि हमारा इंटेंशन है जीतना है, अग्रेशन है, आक्रामक है, वगैरह वगैरह, सब फ्लॉप हो गए। आपने जो चेंजेस लाए, अजिंक्य रहाणे को खिलाया नहीं, बाकी बल्लेबाजों को खिलाया, वो चेंजेस लाए, वो कामयाब नहीं हुए। तो ये रीग्रुप करना बहुत ही मुश्किल है। तो हार का कारण क्या था? मेरे हिसाब से आप बिल्कुल दोष गेंदबाजों को नहीं दे सकते। दो टेस्ट मैचेस में हमारे गेंदबाजों ने 40 विकेट निकाले, मैक्सिमम जितने 40 विकेट थे 40 विकेट निकाले हैं, और ज़्यादा रन भी नहीं खर्चा है उन्होंने। जहाँ तक कंपीट करने का सवाल है, वहाँ पर टॉप ऑर्डर जो है इंडिया का बिल्कुल एक तरह से फेल हो गया है। जो बल्लेबाज आया है या नहीं, केएल राहुल आए शिखर धवन की जगह, वो फ्लॉप हुए। मुरली विजय जो माने जाते हैं ओवरसीज खेलने के लिए, वो कुछ खास नहीं कर पाए। चेतेश्वर पुजारा दोनों ही मैचेस में फेल हुए। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिखरी हुई सी नजर आई बैटिंग। ये हमेशा से उनके लिए एक चुनौती थी, चैलेंज थी कि इन पिचेस पे किस तरह से बैटिंग कर सकते हैं। टेक्निक और टेम्परमेंट दोनों का जो है इम्तिहान था, दोनों में ही फेल हुए। जैसे मैंने कहा कि विराट को निकाल लिया, और विराट ने बहुत खूब बैटिंग की, लेकिन कोई सहारा नहीं। और ये सवाल तो पैदा हो गया कि क्या ये पेपर टाइगर्स है कि केवल इंडियन पिचेस पे खेल सकते हैं? क्योंकि ओवरसीज पिचेस पे अगर इतना बुरा हशर हुआ है साउथ अफ्रीका में, तो आगे आने वाले दौरे जो है या टूर जो है, एक इंग्लैंड का है और एक ऑस्ट्रेलिया का, तो ये चैलेंजेस आते ही रहेंगे।